नमो नमः। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर, आदरणीय सभी जो वैद्यगण यहाँ पर उपस्थित है और ये कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया, वो नस्या की पूरी टीम, अभी जब आज का अभी का ये व्याख्यान जब शुरू करने जा रहे थे हम, तब संयोजक ने ऐसा बोल दिया कि अभी कसौटी है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी कसौटी है, नहीं मैं ये समझूंगी कि मेरी कसौटी है। पूरा एक घंटा तक पोस्ट लंच आपको जागरूक रखना है और कुछ अच्छी सी बातें भी आपको बताना है। चरक संहिता का अध्ययन और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रुग्णों के ऊपर करते हुए जो जो अध्ययन किया, जो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका उपयोग किया, उसका पूर्ण श्रेय आदरणीय गुरुवर्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर और कैलासवासी बिंदु माधव कट्टी सर को जाता है। उन दोनों को नमन करते हुए मैं कुछ बातें यहाँ पर आज बताना चाहती हूँ। आज मुझे ऐसा टॉपिक दिया था कि अम्लपित्त और ग्रहणी, ये दो व्याधि में जो कंसेप्चुअल थिंग्स है उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन केस स्टडी के साथ में कुछ प्रेजेंट करना है। तो आप सभी के साथ में जो बुकलेट है, वो बुकलेट में कुछ कंसेप्ट्स या सिद्धांत, चिकित्सा के सिद्धांत जो इस दो व्याधि में मिलते हैं, जिनका उपयोग करना चाहिए, वो दिए हैं। आप सभी भी वो देख सकते हैं। मैं एक एक जब जब जैसे जैसे एक्सप्लेन करूँगी। अभी अम्लपित्त और ग्रहणी चिकित्सा के बारे में जब हमको बात करनी है, जब हमको कुछ देखना है, तो पहली बात यह है कि अम्लपित्त और ग्रहणी, इनके बहुत सारे केसेस हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे कि इनका प्रीवेलेंस ज़्यादा है और बहुत सारे रुग्ण ऐसे भी आते हैं कि अम्लपित्त के कारण कुछ उपद्रव स्वरूप व्याधि है, जैसे कि अम्लपित्त के कारण शीतपित्त है, अम्लपित्त के कारण शिरश्शूल है, माइग्रेन जिसको बोलेंगे, अम्लपित्त के कारण अत्यार्तव है, या अम्लपित्त के कारण और कुछ उपद्रव के साथ हमारे पास रुग्ण आते हैं। और अगर ऐसा हो गया कि हमने वो उपद्रव की चिकित्सा कर ली, तो वो व्याधि का बार बार पुनरुद्भव होता है। तो क्या करना चाहिए? जो मूल व्याधि हेतु है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, और व्याधि हेतु की चिकित्सा करते समय क्या करना चाहिए? उस व्याधि के दोष की चिकित्सा करनी चाहिए, और दोष की चिकित्सा करते समय सबसे पहले ध्यान किसके ऊपर देना चाहिए? तो हेतु के ऊपर देना चाहिए। सवेरे से हम जो बात समझते आए हैं कि दोषा ही एव सर्वेशाम रोगाणाम एक कारणम, तो दोष की चिकित्सा करते समय हर एक व्याधि में उसके हेतु जानते हुए, स्वतंत्र है या परतंत्र है, संसर्ग है या सन्निपात है, एक दोषज है या द्विदोषज है, या शुद्ध है या परतंत्र है, इसको समझते हुए चिकित्सा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बात हुई कि केसेस बहुत आते हैं और उनकी चिकित्सा करना जरूरी है। दूसरी, ये दोनों व्याधि में एक समान बात है, वो है ये महास्रोतस के व्याधि है, और महास्रोतस के व्याधि हुए, ये दोनों व्याधि में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो अग्नि परीक्षण करना अत्यंत उपयुक्त है या अत्यंत जरूरी है। अग्नि परीक्षण करते हुए हम ये दोनों व्याधि की सक्सेसफुल चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए अग्नि की चिकित्सा, हमारे रुग्ण की अग्नि की चिकित्सा और उसके अग्नि के विकृत होने के कारण, उसके हेतु जितने अच्छे से हम समझ सकेंगे, उतने अच्छे से हम चिकित्सा फल प्राप्त कर सकेंगे। और एक बात मैं ये पूरे दोनों व्याधि के समराइज के लिए एक बताना चाहूँगी कि व्याधि के हेतु अग्नि परीक्षण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें आहार विधि विधान ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो अग्नि परीक्षा आहार विधि विधान के साथ करना जरूरी है। जैसे कि हमें मालूम है कि आहार विधि विधान कहाँ पर बताया है कि चरक सूत्र स्थान में आहार विधि विधान चरक विमान स्थान में बताया है। जैसे कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, एक एक स्पष्ट एक एक शब्द से यह स्पष्ट होता है कि अष्ट आहार विधि विशेष आयतन आठ है, आहार के है, विधि के है और ये विशेष आयतन है। इसका मतलब ये विशेष हेतु है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, आयतन का पर्याय है हेतु। तो इनको जानते हुए हम सभी व्याधियों की चिकित्सा बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अग्नि का परीक्षण और अग्नि की दीप्ति अच्छे से कर सकते हैं। अभी ये अष्ट आहार विधि विशेष आयतन में जिसमें क्या है, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था इत्यादि। और ये उपयोग संस्था में जो है, उपयोग संस्था एक आयतन है, उसका मीनिंग है उपयोग नियमः। टीका में दिया है उपयोग नियमः इति हाउ टू ईट, कैसे खाना चाहिए। इसका एक उदाहरण जो अभिजीत ने दिया था वो मैं एक बार और बताऊंगी कि वहाँ पर एक नियम है जीर्णे अश्नियात, खाना कब खाना चाहिए, पूर्व आहार जीर्ण होने के बाद, ये नियम है। और पूर्व आहार जीर्ण होने के पहले ही अगर हमने खा लिया, अजीर्णे अश्नियात क्या किया, तो अजीर्णे अश्नियात त्रिदोष प्रकोपम भवते। और एक नियम है मात्रावत अश्नियात, हर एक पदार्थ की, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा होती है, अगर उसको छोड़ के हमने खा लिया अमात्रावत अश्नियात करने से ही क्या होता है, आमोत्पत्ति होते ही और वो भी आम प्रकोपजन्य है। इसका मतलब आहार विधि विधान उपयोग संस्था हाउ टू ईट, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अम्लपित्त ग्रहणी चिकित्सा के बारे में। अभी ये विधि विधान में, आहार विधि विधान में एक ऐसी विधि दी है वीर्य अविरुद्धम अश्नियात, और उसका वाक्यशेष से समझ सकेंगे कि विरुद्ध अश्नियात से क्या होता है। और विरुद्ध के भी अनेक प्रकार है, यच्चापि, देश, काल, अग्नि, मात्रा इत्यादि, ये सभी के विरुद्ध होने से बहुत सारे हेतु प्राप्त हेतु रुग्णों में घटते हैं और वो हेतु से अम्लपित्त, ग्रहणी, प्रतिशाय, श्वास, कास ऐसे बहुत सारे व्याधि होते हैं। तो इसका मतलब है हमें महास्रोत के व्याधि की चिकित्सा करते समय अग्नि परीक्षण के ऊपर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और अग्नि परीक्षण के लिए रुग्ण में जो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन घटते हैं होते हैं उनके ऊपर ध्यानपूर्वक दत्तचित्त होकर उनका हमें निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए और वो हेतु बंद करने के बाद ही चिकित्सा परिपूर्ण होती है। यही विषय मैं मेरे कुछ केस स्टडी में अभी बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखो कि अम्लपित्त में कुछ कॉमन सिम्टम्स है, अम्ल छर्दी, उरोविदाह, अम्ल प्रसेक, शिरशूल, अम्लोद्गार। अभी ये तो सभी सिम्टम्स अम्लपित्त के है, अनेक ग्रंथों में है और हमारे रुग्ण में भी ये बहुत सारे सिम्टम्स हमको मिलते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। एक मिनट, मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ जगह मेरी। इसके पहली के स्लाइड लेंगे। अम्लपित्त में ये सिम्टम्स कॉमन है। और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि ग्रहणी दोष,
हम यहाँ पर दो व्याधि एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अम्लपित्त और ग्रहणी। ग्रहणी व्याधि का जो चरक चिकित्सा में वर्णन है, अर्थात तो ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय ऐसा है, और ग्रहणी दोष का अर्थ है अग्नि दोष चिकित्सा। तो अग्नि दोष के कारण जो जो व्याधि होते हैं वह वो सभी व्याधि चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में दिए हैं। जैसे कि ग्रहणी अध्याय में आमजन्य होने वाले व्याधि का भी समावेश है, ग्रहणी व्याधि में अम्लपित्त जैसे व्याधि का भी समावेश है, ग्रहणी व्याधि में विष्टब्धा जीर्ण, आमा जीर्ण, विदग्धा जीर्ण, ये भी सभी व्याधि के संदर्भ हमको मिलते हैं। अभी यहाँ पर हमको मालूम है कि प्राकृत अग्नि चार प्रकार की होती है, एक चतुर्विध अग्नि, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। और चरक ने यह बता है कि समविवर्जिता, सम को छोड़ के, समवर्ज को छोड़ के बाकी के जो तीन अग्नि है उनके अपचार से या उनके दोष के कारण जो जो व्याधि होते हैं उनको अग्नि दोष या ग्रहणी दोष व्याधि समझते हैं। अभी ग्रहणी का प्रमुख सिम्टम्स, जैसे कि अम्लपित्त के सिम्टम्स ऊपर जो दिए हैं, तो ग्रहणी के रुग्ण का प्रमुख सिम्टम्स क्या होता है कि दिन में 5-6 बार से लेके 10-12 टाइम तक उसको मल प्रवृत्ति होती है। मल प्रवृत्ति सपिच्छ, सरक्त, सप्रवाहन, सशूल ऐसी होती है। तो एक प्रत्यात्म लिंग लक्षण उसका ऐसा है कि आम विमुंचति, आम एव अन्नम विमुंचति, यही एक लक्षण होता है। वो लक्षण अत्यंत उत्कट अवस्था का है। किसी रुग्ण को एक ही बार मल प्रवृत्ति होती है लेकिन वही मल प्रवृत्ति सपिच्छ सप्रवाहन होती है। हो सकता है हम उसका निदान प्रवाहिका करेंगे, हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक होती है और बहुत दिन से होती है, और वो हमारे पास अगर फाइल लेके आ गया तो उसका निदान वो बोलेगा हमको कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है। वो 5-6 हॉस्पिटल में जाके सुपर कंसल्टेंट के साथ